आप सभी श्रोताओं का एंड टाइम रेडियो के इस कार्यक्रम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, जिसकी वजह से हम आज उसके वचन को सुन पा रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ बहुतायत के साथ आपके जीवन में काम करने पाए। दूसरा कुरिन्थियों उसका पांचवा अध्याय उसके सातवें आयत में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों पांचवा अध्याय उसके सातवें आयत में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको एक घटना का विवरण देना चाहता हूं। हालेलुया। कुछ वर्ष के पहले हालेलुया, एक मिशनरी परिवार दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आते हैं सेविकाई के लिए। वे स्पष्ट दर्शन प्रभु से पाकर आते हैं। उनके जीवन में कमी घटी रहता है, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं रहता, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर रहता है, उनके जीवन में यीशु रहता है, सेविकाई में परमेश्वर आशीषित करता है। वो उस परिवार में पास्टर, उनकी पत्नी और दो बच्चे रहते हैं, सब कुछ खुशी बीता रहता है। लेकिन मेरे प्यारे सुनने वालों, एक ऐसा चीज उस परिवार में रहता है जिसके से उस परिवार के सारे सदस्य हालेलुया वो दुखों के महासागर में डूब जाते थे। वो समस्या यही है, उस परिवार में जो छोटा बेटा था उसको मिर्गी का दौरा आता था। और मेरे प्यारे सुनने वालों, जब मिर्गी का दौरा आता था तब इतना प्रबल रीति से आता था, इतना भयानक रीति से आता था मिर्गी का दौरा, कि वो बच्चे को देखते रहना उस माता और पिता के लिए मुमकिन नहीं था। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मिर्गी आने के बाद उस बच्चे की अवस्था एक घंटे के लिए वो मरा सा हो जाता था। ओ हालेलुया, वो उस दुर्दशा को देख पाना एक माँ के लिए संभव नहीं था। जब मिर्गी का दौरा आता था, उसके पिता उसको गोद में लेकर छिपा लेते थे, क्योंकि जब उसकी माता उसको देखा करती थी, जब उस परिस्थिति को उसकी माता देखा करती थी, वो रोने पीटने चिल्लाने लगती थी। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस परिस्थिति में ओ हालेलुया, वो प्रभु का दास और उनकी पत्नी हालेलुया इस बात को सोचते हैं कि ये बच्चा कैसे ठीक होगा। वो हालेलुया उसको डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, उनको हालेलुया बहुत वैद्यों के पास ले जाते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, उसके बाद उनको हालेलुया बहुत सारे प्रभु के दासों के पास ले जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। ओ कहीं से उनको राहत नहीं मिलता है। वैद्य बोलते हैं कि 12 साल इलाज करना होगा, और वैद्य हालेलुया एक भारी भरकम रकम की बात करते हैं हालेलुया जो इलाज में खर्च होगा। ओ हालेलुया, आधे महीने का दवा लेकर वे घर की तरफ बढ़ते हैं। ओ हालेलुया, आधे महीने का दवा लेकर वो घर की तरफ वो पहुंचते हैं। आधे महीने का दवा वो इसलिए लिए क्योंकि उतना ही पैसा उनके पास था। हालेलुया, जब वे घर के अंदर पहुंचे हालेलुया, वो उन्होंने अपने बच्चे को, वो जो लेटा हुआ था उसके करीब, उस बच्चे के करीब आए, घुटना टेके हालेलुया। और मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओ हालेलुया, उनके पास जो दवा उन्होंने आधे महीने का लिया था उसको उन्होंने लेकर कूड़ेदानी में फेंक दिया। हालेलुया, और वे घुटना टेक के परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से बोले, प्रभु आपने दिया है। हालेलुया, वो हम विश्वास करते हैं आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो, आपके कोड़े खाने से हम चंगाई को पाते हैं। हालेलुया, ओ प्रभु जी आप चंगा कर। उन्होंने प्रार्थना किया। मेरे प्यारे सुनने वालों, हालेलुया हालेलुया, वे वहां पर आंसू बहाकर प्रार्थना किए। ओ हालेलुया, उसके बाद वे उस दवा को फेंक चुके थे। वो बच्चा उठा, अगले दिन वो बच्चे को मिर्गी नहीं आया। वो बच्चा हंसता खेलता कूदता नाचता गाता प्रभु की स्तुति करता। वो बच्चे को दूसरे दिन भी मिर्गी नहीं आया। एक हफ्ते बाद वो कुछ दिन में स्कूल जाने लगा। वो स्कूल जाता, उसको मिर्गी नहीं आता। वो धीरे धीरे एक महीना बीत गया, धीरे धीरे एक साल बीत गया, धीरे धीरे दो साल बीत गया, उसको मिर्गी नहीं आया। ओ हालेलुया, उस समय उस दिन वो हालेलुया, वो माता और पिता मिलकर प्रार्थना किए और विश्वास कर चुके थे कि परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया है। हालेलुया, वो विश्वास से चलने का फैसला वे लिए थे उस प्रार्थना में। हालेलुया, वो हालेलुया, वो परिस्थितियों को देखकर नहीं पर विश्वास से चलने का, रूप को देखकर नहीं, परिस्थितियों को देखकर नहीं, विश्वास से चलने का फैसला लिए थे। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक साल बीत गया, उसको मिर्गी नहीं आया। दो साल बीत गया, चार साल बीत गया, पांच साल बीत गया, दस साल बीत गया, वो आज 20 साल बीत गया,
और उस लड़के का आवाज आप इस समय हालेलुया इस ध्वनि के माध्यम से सुन रहे हो, उसको मिर्गी नहीं आया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझको मिर्गी नहीं आया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये प्रमाण है परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। ओ रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलिए। रूप को देखकर नहीं, परिस्थिति को देखकर आगे मत बढ़िए, पर विश्वास से, प्रभु पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। ओ कोई भी समस्या क्यों ना हो, इस समय घुटने पे आ जाइए। कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, हालेलुया, कोई भी आप कोई भी परिस्थिति से क्यों ना होकर गुजर रहे हो, इस समय घुटने में आ जाइए, अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। प्रभु से बोलिए, प्रभु जी इस परिस्थिति पर मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। ओ हालेलुया, मेरे माता पिता ने प्रार्थना किया कि दवा से इसको ठीक कर पाना मुमकिन नहीं है। ओ क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और इतना लंबा 12 साल का इलाज कर पाना मुमकिन नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप बोल सकते हो प्रभु से, हालेलुया, प्रभु जी मेरा भी परिस्थिति ऐसे ही है। ओ मैं खुद से कोशिश कर 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 थक चुकी हूँ, खुद से प्रभु जी आगे बढ़ पाना मुमकिन ही नहीं है प्रभु जी। पर प्रभु जी, पर प्रभु जी हम विश्वास से आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं, क्योंकि जब हम विश्वास से चलेंगे आपके साथ, तब हम अनोखे काम को देखेंगे। प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं, आपके हाथ में इस परिस्थिति को देते हैं, इस रोग को आपके हाथ में देते हैं, इस रुकावट को आपके हाथ में देते हैं। हम फैसला करते हैं, हम फैसला करते हैं कि प्रभु जी ये मुसीबत अब मेरे जीवन में मेरे लिए रुकावट का नहीं होगा। ये मुसीबत को अब मैं नहीं देखूंगा, इस फिरौन को अब मैं नहीं देखूंगा, इन मिस्रियों को अब मैं नहीं देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी इस आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुने हैं, प्रभु जी हम विश्वास से चलने का फैसला लेते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, जिस परिस्थिति में ये है प्रभु जी, आप इनको इस परिस्थिति से बाहर निकालना, इस रोग से प्रभु जी। हम विश्वास से चंगाई को ग्रहण करते हैं प्रभु, इस कर्ज से हम विश्वास से मुक्ति को ग्रहण करते हैं राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत के साथ काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में इस समय बहुत आयत के साथ काम कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपकी महान उपस्थिति के लिए, धन्यवाद यीशु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। आप बहुत आयत के साथ इनके जीवनों में काम करने वाले हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। होने पाए हम विश्वास में कदमों को रखे और आपके करीब आए। धन्यवाद प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन।